चेरी और वेरी ना एक डील हुई है। फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ आज का मैंने मेकअप लुक ही नहीं डालना, मैं इसको उतारने के लिए क्या कर रही हूँ इस व्लॉग में, क्या शूट कर रही हूँ मुझे खुद नहीं आइडिया। ओके अब बाल खोल के मैं शूट करूँ, मुझे नहीं शूट करना, मेरी भी दो उंगलियों में दे दो, मैं भी शूई शूई कर लूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरे सोया उतरा सा फेस नज़र आ रहा है तो वो इसलिए क्योंकि मैं थक गई हूँ उस समय से काम काम काम। कल 4 वीडियोस बनाई, 2 को एडिट करके उसी दिन पोस्ट कर दिया, कल ही पोस्ट कर दिया। तो आज मैंने सुबह से वीडियो तो कोई पोस्ट ही नहीं किया, आज आई वॉज लाइक कि मुझे अभी नहीं एडिटिंग करनी। बहुत छोटी छोटी थी एडिटिंग बट मन ही नहीं किया, लाइक ओवर टायर्डनेस हो जाती। मैंने बोला ना अगले दिन मेरे से काम ही नहीं हो पाता। फिर बाद में कल झाड़ू पोछा बर्तन पौधों में पानी डालना सारा कुछ किया साथ साथ में, एक ही दिन में इतना कुछ। बैंड बज गए थे मेरे कल। आज अभी देख लो पीछे आपको जगह खाली नजर आ रही होगी क्योंकि एसी लगवाना है। अब एसी लगवाने से पहले कितना कुछ करना पड़ता है तो बताइए। तो चलो पहले मैं आपको वो वाली क्लिप्स दिखाती हूँ कि अभी मैं इतनी देर से क्या कर रही थी और करते करते मैं फुस होके बैठ गई। बस अब होगी मेरी, नहाने जा रही हूँ यार। नहा के ना 2 वीडियोज़ मैंने शूट करनी है आरवाया, एक तो मामाअर्थ की वीडियो है ज़रूरी है और एक है लेंसकार्ट से। मैंने बोला था मेरा सामान आ गया पीछे, 2 पड़े हुए हैं पैकेट्स। तो वॉश योर हैंड्स यार, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स। नहीं आता गर्म पानी, वो दिन में आता गर्म पानी, बाहर का वॉश बेसिन लगा ना। तो हम बोलते हैं कि जो भी बाहर से आता ना सीधा ही वहाँ पे वॉश कर ले अपने हैंड्स को। तो दिन में कई बार बड़ा गर्म पानी आता है बाहर, एकदम गर्म पानी, एक दिन चिल्लाने लगा ये। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, लेंसकार्ट से मेरे चश्मे ये वो सब कुछ आ चुका है, मैंने अब तक पैकेट ओपन नहीं किया, ओपन करूँगी आप सबके सामने। एंड मेरे को भी एक्साइटमेंट हो रही है कि देखूँ भैया क्या इतना आया है, क्या मंगवाया था क्या आया। तो चलो पहले वो वाली क्लिप्स देखो जो इतनी देर से यहाँ का मैस पड़ा था, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट निकाला है, इधर से निकाला है। कल परसों में देखते हैं, इसी लगाना बहुत ज़रूरी है वो, इसलिए एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा इसी चेक भी तो करना है। अब इतना प्राइसी चीज़ है, उसके रिटर्न पीरियड भी तो होती है ना, कुछ ऐसे नहीं ना हम उसको रख सकते। भाई आज बड़ा बोल रहा था, कहता उसको लगवा नहीं रही थी, चेक नहीं कर रही, कोई गड़बड़ है कुछ है, पता तो लगे क्या है, मतलब समझो चीज़ सही निकल जानी चाहिए ना, उसी समय बंदा लगवाता है। मैंने इसी टाइम से ना बाहर भेज दो क्योंकि चेरी और वेरी ना एक डील हुई है, डील हुई है। हुन हो गया तेरा बाहर का काम बेटा, कल ना जाना, मैं कल दी गल कर रहे हैं ना, कल दी कल दिखाएंगे ना, हुन आज दा हो गया, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, एकदम घर के बाहर 2-3 घर के बच्चे निकल के खेल लेते हैं। इसी टाइम पर जाने देना मुझे। हाय हाय हाय, इसके बाल को कितना लंबे हो गए, कटिंग करनी है। कहाँ लंबे हुए हैं, पहले मेरी आंखों तक जाते थे, अब कहाँ जाते हैं। अच्छा जब हमने कट किया था तब तो तेरे उतने भी नहीं जाते थे बेटा, छोड़ दो मैंने अभी ब्रशेस, डोंट टच। चलो गाइस आप वो वाली क्लिप्स देखो, एंड देखो ये क्या टच कर रहा है, देखो जो मैं अभी करके हटी ना वो टच कर रहा है, आप पहले वो वाली क्लिप्स देखो। गाइज ये देखो मेरे टेबल का हाल, मतलब लाइक इतना मैस। मैंने यहाँ पे ना बैक टू बैक 2 वीडियो शूट की थी, क्लीन करने का मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला, घर का ही नहीं काम खत्म होता। बट अब मुझे ये सारे ही क्लीन करना, एक्चुअली मैं इसलिए भी नहीं क्लीन कर रही थी क्योंकि मुझे था कि मुझे इसको सबको उठाना है एंड थोड़ा सा डिवाइड करना है, अगर फेशियल ऑयल्स वगैरह कुछ भी हैं तो उनको हटा के अंदर करना है अलमीरा में, क्योंकि फेशियल ऑयल्स तो मैं देखो गर्मियों में यूज़ करने ही नहीं वाली हूँ, जो भी मेरे पास फेशियल ऑयल्स वगैरह होंगे। एंड प्लस यहाँ पे मुझे एसी लगवाना है, तो एसी लगवाना है ना, तो भैया जब आएगा तो यहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी क्रिएट हो जाएगी, उससे बेटर है कि मैं अपना सामान पहले यहाँ से वाइंड अप करूँ। तो मैस आप देख लो, चलो भैया शुरू करते हैं, पता नहीं क्या क्या रख दिया हुआ है, क्या क्या चूड़ियाँ भी वहीं पे पड़ी हैं, ये जुगाड़ वाला मेरा स्टैंड क्योंकि अमेजोन से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है अभी तक आया नहीं है, तो जब आ जाएगा तो इसको हटाऊंगी फिर मैं यूज़ करूंगी मेरा स्टैंड। मेरा स्टैंड कहाँ गया, ये पड़ा मेरा स्टैंड, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा देखो खराब है, यहाँ से दिख जा, मैं अमेजोन हॉल शूट कर दूंगी मैं आप लोगों के लिए, 2-4 सामान जो भी मैंने अमेजोन का मंगवाया, ठीक है। ये देखो उखड़ा हुआ है ना यहाँ से, तो निकल जाता मेरा फ़ोन। एंड आई नीड टू क्लीन अप, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है मेरे, देखो लेंसेज का डब्बियाँ इतनी सारी लेंसेज की। अच्छा इधर भी पड़ी हुई है एक, इधर भी पड़ी हुई है एक। ओके अब एक और लेंस मंगवाए हैं मैंने लेंसकार्ट से, काफ़ी हद तक मैंने टेबल को क्लीन कर दिया। ये
इनका प्रोडक्ट रिव्यू करना है, एक सेकेंड, इनका प्रोडक्ट रिव्यू करना है इसलिए साइड में रखा हुआ है। लुक एट माई ब्रशेज, दे आर लाइक बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा गंदे, लिक्विड लिपस्टिक तक लगी हुई है देखो इनके ऊपर। चलो एंड ये दो चार लंबी लंबी वाली चीज़ें हैं, इनको बाद में करते हैं। सब धोने वाला सामान है, ये ब्रशेज यानी कॉम सब धोने वाला सामान है। ये साइड में कर दिया मैंने, ये हेडफोन्स, ये पता नहीं कि यहाँ पे क्या कर रहा है आरफ का होगा। बस ये टूटा हुआ है, इसको मैं क्या करूँ, फेंक दूँ या इसके अंदर कुछ डाल लूँ, क्या इतनी मिट्टी लग गई थी इसके ऊपर बताओ भला। रखा हुआ है बस ऐसे ही शोपीस के लिए, क्या करूँ इसमें, क्या डेकोरेट करे बंदा। एक तो मेरे को डेकोरेशन भी नहीं ना आती। चलो अब ये सब स्टैंड वगैरह ये तो बाहर जाएंगे, जब अंदर आएंगे दोबारा क्लीन होंगे। ये तो मीशो के हैं ये दोनों, ठीक है, स्टैंड से मीशो हॉल में दिखाने थे, बट अभी इतने गंदे हो चुके, अब इनको वॉश करूंगी। दो तीन महीनों से आए हुए मेरे पास, लॉकडाउन से पहले के ही आए हुए हैं, हॉल कर ही नहीं सकी शूट। इसको धोने के लिए रख दिया है, अंदर से एक नई साफ वाली टोकरी निकाली, एक एक प्रोडक्ट को हाथों के साथ साफ किया, उसके बाद जाके मैंने इसको साइड में रखा है। बाद में सॉर्ट आउट करूंगी जब मेरी और सारी चीजें ये जो है ना ये सारे वॉश होके आ जाएंगे तब। ये भी देखो गंदे हो गए हैं, ये भी गंदे हो गए, इसको भी वॉश करना है। ये मुझे सेंड किया था ब्रांड। फाइनली दो टोकरियां होगी मेरी रेडी, उस कमरे में जाके इनको रख दूंगी, देख सकते हो इसमें। एंड एक मैंने ये वाली बास्केट रेडी कर दी जिस जो मुझे अभी अभी चाहिए। ये तो गाइज है नेल पॉलिश रिमूवर्स है, लोकल मार्केट से मैंने बहुत टाइम पहले से लिए हुए थे, 4-5 महीने पहले से लॉकडाउन के। एंड ये इनको मैंने वॉश करना, तो अभी इनको वॉश कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप करना है। मेकअप ब्रशेस धोने के लिए मैंने रख दिए, पानी डाल दे इसमें थोड़ा सा, गुनगुना से थोड़ा सा, हल्का तेज गर्म था, 10-15 मिनट 20 मिनट इनको इसके अंदर डाल दूंगी। एंड कोई भी आप शावर जेल हो गया, हैंड वॉश हो गया, बॉडी वॉश हो गया, भैया कुछ भी हो गया, आप इसके अंदर डाल दो, किसी भी ब्रांड का डाल दो। ये मैंने आपको पर्पल हॉल में दिखाया होगा है ना, तो ये देख लो, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, इट्स सो गुड, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, लेमनी लेमनी फ्रेग्रेंस है, प्लम ब्रांड का है ये बाय द वे, ठीक है। तो आप ये वाला यूज आप कोई भी ले सकते हो, डाल सकते हो। टेबल टोटली क्लीन, पीछे वाले दो हट चुके हैं, ठीक है, गंद पड़ा हुआ है, क्लीन करना है। ये जा रहा है साथ वाले कमरे में, धीरे धीरे लेके जा रही हूँ। ये दो इधर रख दिए मैंने, बाहर निकाल के रख दिए, जब ये हो जाएगा फिर इनको क्लीन वगैरह करके दोबारा से अंदर रख दूंगी। अब ये है एग क्लीनर, और ये पता नहीं यार क्लब फैक्ट्री शीन आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा, बस आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रशेस को रगड़ना है, आप देखो, ठीक है, गुनगुना होना चाहिए पानी ये वाला, साथ साथ में आपके देखो क्लीन होते जाएंगे। आपने बस इसको साफ पानी के साथ 2-3 पानी आप इसको वॉश कर लो, हो गया, ठीक है। ऐसे अच्छी तरह से आपके ब्रशेस के जितने वो होते हैं ना क्लीन हो जाते हैं। दिखाऊं आपको थोड़ा सा गंदा वाला ब्रश, लाइक ए या देख सकते हो निकलना शुरू हो गया ना, देखो ना ब्राउन ब्राउन से निकलना शुरू हो गया, कॉन्टोर ब्रश था ये, बस आपने ऐसे ही करते जाना है। क्लीन करते समय एक चीज का ध्यान रखो, अब ये देखो ये वाले ब्रश की शेप कैसी है, तो उसी हिसाब से इसको घुमाना है कि ताकि इसकी शेप ना खराब हो। अभी इसकी शेप है थोड़ी सी फ्लैट, फ्लैट ब्रश है, तो आप इसको ऐसे गोल गोल नहीं घुमा सकते। इसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से, ठीक है। अब जैसे ये वाले ब्रशेज हैं, आप इनको आराम से गोल 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 भी घुमा सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन के ऊपर आपने देखना है, ये नहीं कि ब्रशेज, अब ये देख लो कितना गंदा ब्रश है, और ये राउंड है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको राउंड 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 कर सकते हो, आगे पीछे हर एक तरीके से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश इधर भी घूमता है ऐसे भी घूमता है, ठीक है। बस यही फर्क है क्लीनिंग करते समय, देख सकते हो आप गाइस। सारे मैंने इसको वॉश कर लिया, खुले पानी के साथ धो लिया। अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर वाली मैं क्लिप लेना भूल गई, उसको भी जब साबुन में होता ना तो आप उसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का हर तरफ से रगड़ लो एक बार, तो देखो आपका ब्यूटी ब्लेंडर कितना क्लीन हो जाएगा। ये एक सेकेंड अब देखो, ठीक है, आप देखो ब्यूटी ब्लेंडर कहीं कहीं पे दाग रह जाते हैं, बट इट्स लाइक टोटली क्लीन। ये कलर बार वाला है, देख सकते हो आप कितना सुंदर निकल गया। ये दोनों बाकी के पूना स्टोर के हैं ब्रशेस में, आप देखो। अब इनको टॉवल ड्राई करके ना रख दूंगी, कल सारा दिन इनकी धूप लगेगी, उसके बाद ये एकदम
यूज़ करने के लायक होंगे। ब्रशेज ज़रूर क्लीन रखा करो, क्योंकि मैंने नोटिस किया अगर आपके ब्रशेज क्लीन रहेंगे तो आपके फेस के ऊपर पिंपल्स नहीं रहेंगे। चलो अब एक आधा तो गड़बड़ कर ही देता है पीस, ठीक है। जैसे अब ये है जो गड़बड़ कर देता है पीस, उसका भी जुगाड़ मैं आपको बता ही देती हूँ। धूप में रख दो ढंग से, जब ये सूख जाएगा, ठीक है, ये मेरा ब्रॉन्जर वाला ब्रश है, जब ये ढंग से सूख जाएगा, आपने वो फेविक्विक नहीं आती छोटी वाली ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है, 10 रुपए की आती ना आई गेस, उसको आप यहाँ पे लगा के ये थोड़ा सा क्लीन कर लो ना यार, उखाड़ के थोड़ा सा उसको लगा के इसके अंदर डाल लो, कहीं नहीं हिलेगा फिर ये, ठीक है। कई बार एक आधा ब्रश का हो ही जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़, बट कोई बात नहीं। अब इतना सा तो आप देखो क्लीन तो करना ही है ना, क्लीनिंग भी जरूरी है। आई एम फीलिंग सो गुड, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, इतने गंदे हो गए थे ना मेरे ब्रशेस, आप लोग भी ऐसे क्लीन कर लिया करो। लास्टली गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सोचा ये भी अब इतना दिखा दिया तो चलो ये भी अब दिखाई देती हूँ मैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ब्रशेस को अलाइन करके रखना, ठीक है। आपको दिखाती हूँ ताकि इनके जो ब्रिसल्स हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, ऐसे रहेंगे तो फिर ऐसे ही सूख जाएंगे ना, तो आप जस्ट इनको अलाइन कर दो उनकी शेप में। आपको दिखाती हूँ मैं अभी, ब्यूटी ब्लेंडर्स को साइड में इसी में रहने दो, एंड धूप में आपने इनको सुखाना है कल अच्छी तरह से। चलो इसको हटाओ, हो गया, इसके ऊपर रखो कपड़ा ऐसे और ऐसे, इनके यहाँ पे ब्रशेस है ना वहां पे आप इनको प्रेस करो, पानी निकलेगा, दिख रहा है आपको, पानी निकल गया, गीला हो गया, यहां से हमें इनका सारा पानी एक्सेस वाला निकाल देना है। सारा पानी अपने निकालने की ना कोशिश करो इनका, हल्का हल्का हल्के हल्के हाथों से। मैंने तो अब ये काम शाम को किया है ना, तो आप ये दिन में भी कर सकते हो, पानी निकालते आप देखोगे इनकी शेप जो है ना थोड़ी सी, ये देखो अपनी शेप में आ गए, ठीक है। आप अभी ही इनकी पानी निकाल दोगे अच्छी तरह से, हल्का सा जस्ट प्रेस करके ही निकाल दो, दैट्स इट। मैं तो देखो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग अगर कोई और तरीका है तो मुझे कोई और तरीका भी सजेस्ट करना। छोड़ दो आप इनको ऐसे, मैं ऐसे पंखे के नीचे ऐसे छोड़ दूंगी एंड बस सुबह धूप में रख दूंगी, ठीक है। गाइज देख लिया आपने क्या क्या चल रहा था, थोड़ा बहुत जो भी मैंने जितना शूट किया, ज्यादा शूट नहीं किया डिटेल में, क्योंकि या तो काम कर लो या तो शूट कर लो। वैसे भी आज ना थोड़ी सी एक्टिव नहीं लग रही थी मैं, मतलब आई वॉज नॉट एक्टिव, अभी भी देख लो बैठी हूँ, बट मुझे था कि चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत सा, एंड क्योंकि आप लोगों को चिटचैट वीडियो अच्छी लगती है, तो जो अच्छा लगता है वो तो ज़रूर आएगा ना चैनल पे। बहुत सारे चीज़ों की ना लिस्ट बनाई हुई है मैंने, काफ़ी कुछ नए नए कॉन्टेंट्स की सोच रही थी, थोड़ा बहुत सा, बट थोड़ा सा सेटअप सा हो जाए ना, ये गर्मी बहुत लगती है यार इस कमरे में, किचन का टेबल वहाँ है इधर है, तो फिर थोड़ा सा हीट वगैरह, किचन में काम चलता है, हीट वगैरह बहुत होती है इस रूम में, धूप तो मतलब माय गॉड इतनी धूप होती है, आधा दिन तो इतना मेरा बर्बाद हो जाता है, मैं कुछ करती नहीं, आधा दिन मेरे से हो ही नहीं पाता, बस खाना बना लो, बस मुझे होता कि चलो भाई बहुत काम कर लिया, ये एडिटिंग वगैरह कर लो, क्योंकि दिन में मैं शूट नहीं कर पाती, गर्मी इतनी होती है एंड और कोई काम नहीं कर पाती, घर की सफाई भी नहीं कर पाती, सुबह कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दोपहर के बाद ही कर पाती हूँ मैं, तो जब धूप निकलते मेरे से नहीं हो पाता भैया, बहुत गर्मी है एंड और क्या बोल रही थी मैं, ये काम तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ यार नहाने जा रही हूँ, आई थिंक मैं नहाऊंगी ना तो आई विल फील क्वाइट एक्टिव हो जाऊंगी एंड फिर मैं 2 वीडियो देखती हूँ, मैं शूट कर ही लेती हूँ। चलो बाय, मिलती हूँ नहा के। नहा लिया मैंने अपना और पानी पी रही हूँ, मुझे लगता है ना जैसे मेरी स्किन डल हो गई थोड़ी गर्मियों की वजह से। चाय बनाई है मैंने, अपनी चाय इसलिए बनाई है क्योंकि मन कर रहा था एंड मुझे थोड़ा सा एक्टिव होना था। फीकी चाय है, कुछ भी नहीं है, बस चाय पत्ती और इलायची है। ओके, क्या मैं बोल रही थी, हल्की सी स्किन केयर करती हूँ और मुझे ना यार एक 2 वीडियो शूट करनी है, 2-3 वीडियोज एक्चुअली मुझे शूट करनी है। एक है लेंस काट वाला, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सोच रही हूँ उसको छोटी सी वीडियो फटाफट कर खोल, एक्चुअली मुझे हो रहा है कि मैं उसको ओपन करूँ एंड ओपन ही करी, अनबॉक्स नहीं करी मैं एंड कल ही मैं कर सकती, कल मुझे मशीन भी लगानी है एंड अगर कल भैया आ जाता है तो फिर सारा यहाँ का काम करवाना, फिर सब कुछ क्लीन अप करना पड़ेगा, सब कुछ आपको पता ही है। तो देखती हूँ अब 1-2-4 दिन के अंदर अंदर ना मैंने आंटियों को बुलाना शुरू कर देना, लाइक जून से मे बी, या उससे 1-2 दिन देखती हूँ। अब बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया, अब ना हो तो अब हमसे नहीं हो रहा है भाई, नाउ इट्स लाइक गेटिंग सो हेक्टिक, बहुत हेक्टिक हो रहा है भाई, अब
अब मुझे हेल्प चाहिए। आप लोगों ने बुलाना शुरू कर ही दिया होगा क्योंकि अब जब लॉकडाउन ओपन हो गया सब कुछ, आ बट स्टिल सेफ्टी रखो, सेफ्टी रखो। जैसे अगर आप घर पे अपने हेल्पर्स को बुलाते हो तो मैंने तो सोचा कि जब जैसे बुलाऊंगी बाहर ही उनको बोलूंगी हैंड वॉश करके, अपने पैर फुट धो के फिर आप अंदर आओ, एंड बस बर्तन धो के उन्होंने चले जाना, बाकी जो सफाई करेंगी आंटी। देखते हैं यार क्या, अब मेरे को मन कर रहा है क्योंकि अब बहुत बर्डन हो रहा है मेरे पे। हर वीडियो में लाइक है मैं थकी हुई हूँ, हर वीडियो यही रोना तो ना रह रहा है। कोलैब नहीं मैं कर रही, कोलैब वीडियोस, क्योंकि ये वीडियो का तो कोई टाइमिंग नहीं होती, कुछ वो नहीं होती, मैं जल्दी उधर वो हम ही नहीं भर रही। वैसे भी बीच में ये अम्फान उम्फान आ गया तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के तो हैं, कलकत्ता वगैरह के, तो फिर अभी हमने डिले कर दिया ये कोलैब वीडियोस को, तो वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाए फिर हम दोबारा कोलैब करेंगे, यही रीज़न था। पहले टाइम ही नहीं मिल रहा था, अब देखती हूँ मैं, आंटी उंटी अब सबके घर में लग जाए ना उसके बाद ही करते हैं। चलो बाय। मैं एक्चुअली बाय नहीं, मैंने कोई एक आधी स्किन केयर रूटीन करनी है, करूँ रुको आपको दिखाती हूँ। वेट गाइज, आप देख सकते हो मेरा यहाँ का सारा सामान मैंने उठा दिया है, दिस इज मी। ठीक है, सब खाली है यहाँ पे, मैं आपको पहले ही दिखा चुकी थी, तो उस कमरे में पड़ा, मैं नहीं जा रही उधर अब लेने, तो यहीं पे जो सामान पड़ा है ना उसी को निकालती हूँ। ये मेरी अलमीरा है, आपको दिखती है ना मेरी वीडियो की बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे भी एक वो है, शेल्फ सी है। ठीक है, ये है शीशा लगा हुआ है सामने, और ये टोनर, साथ में अगर कोई सीरम हो तो ये रहा मेरा सीरम, एग्डे का सीरम, एल्प्स गुडनेस का ये। हाँ क्या आई थी, तो आई नीड अ डिओड्रेंट। ब्रेड खा रही थी मैं साथ में, टोनर लगा लिया, टोनर जरूर लगाया करो, आपके जितने पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और स्किन। फिर मैं लगाऊंगी एक्टे का 24 कैरेट गोल्ड विटामिन सी सीरम। एक्टे का ऑयल मैं करंटली यूज कर रही थी, काफी अच्छा ऑयल है, उसकी वीडियो बाद में आएगी, पता नहीं कब आएगी, शूट की हुई है मैंने उसकी वीडियो। आई लव द सीरम, पता नहीं कितने सीरम होते हैं ना, कई बार कोई चीज आपको अगर पसंद भी होती है ना, कई बार बेचारी साइड में चढ़ी जाती है। मुझे सीरम बड़ा पसंद था इनका 24 कैरेट वाला। अब सीरम सी तो लगने हैं गर्मियों में, लगना क्या है, फेशियल ऑयल्स लगने नहीं है, सीरम का क्या था, वो डीपली आपकी स्किन के अंदर जाते हैं और अपना असर करते हैं। फेशियल ऑयल्स तो स्किन के ऊपर ऊपर रह जाते हैं, वो विंटर्स के लिए होते हैं। मैंने जितने फेशियल ऑयल्स थे ना मेरे, सब अंदर डाल दिए अलमारी में। चलो देखो मैंने क्या गड़बड़ की, मेरा ना लॉकडाउन की वजह से ना मेरे को ना जिलेट का रेजर मैं यूज करती हूँ, वो पर्पल वाला ब्रीज, ब्रीज बोलते हैं ना उसको, तो मेरे को उस दिन वीडियो शूट करनी थी रेड साड़ी में, आई गेस रेड साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज था, यू ऑल नो। ठीक है, कोलैब वीडियो थी, तो वो जो जिलेट का रेजर था ना उसके ब्लेड बुरी तरह से खराब हो चुके थे, लाइक दे वर नॉट वर्किंग। ऐसे करो ना तो वो निकलते हैं बाल, ठीक है ना, ऐसे करो, आप लोगों के लिए बोलती हूँ, ऐसे करो ना तो बाल एक सेकंड में निकल जाते, वो निकल नहीं रहा था। कर रही हूँ नहीं निकल रहा, नहीं कर रही, कर रही हूँ नहीं निकल रहा है। मैंने बाथरूम में थी, अपना शावर जेल अप्लाई किया था, नहीं निकल रहा था, शावर जेल लगाने के बावजूद वो नहीं निकल रहा था। मैंने क्या किया, जबरदस्ती लाइक घिस रही हूँ मैं उसको, जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे ये वाली मेरी पूरी आर्म्स में ना दिख रहा है आपको, अजीब से नहीं लग रही, आपको नजदीक से नहीं दिखेगी, ये जैसे ना कट कट टाइप्स नहीं, जैसे दाने हो गए थे, छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे दाने हुए थे, क्योंकि जबरदस्ती मैं उसको काम कर रही थी। एंड मुझे था कि यार स्लीवलेस डालना, अगर नहीं आर्म्स क्लीन लगेगा, मैंने अमेजोन से सबसे पहले उसके ब्लेड्स मंगवाए हैं वीनस रेजर के, और जो दो चार मुझे जरूरी सामान था, अमेजोन हॉल बहुत छोटा सा है बट मैं आपको शेयर जरूर करूंगी। मैं मेकअप ब्रशेस का सेट मंगवा लिया, बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिला था, कि पूना स्टोर का मैंने मंगवाया है, तो देखते हैं जैसे आएगा ना तो करूं मैं एक छोटा सा अमेजोन हॉल अनबॉक्सिंग कर दूंगी अलग से वीडियो। ठीक है, दो चार सामान ही, मतलब कहने का है अगर नई कोई चीज काम करते हो उसको धक्के से मत करो, दाने हो जाएंगे, तो मेरे को दाने हो गए, इस वजह से मेरी आर्म्स अब ना थोड़ी सी मैं उसको रिलैक्स करने दे रही हूँ। बाल आए हुए छोटे छोटे लेकिन मैं कर नहीं रही, तो मैंने अपना लगा लिया अंदर करके जो मैंने शूट नहीं किया।
ये इंगेज का डियो लगाया मैंने एंड फ्रेग्रेंस इज सो गुड. गर्मी का दिन होता है, मैं डियोज वगैरह यूज करती ही करती हूँ, मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए. ब्रेड खा ली मैंने, चाय मैंने अपनी पी ली, तो हल्का सा टचअप करती हूँ क्योंकि मैंने मामा की ब्रांड की वीडियो शूट करने में अच्छा नहीं लगता. ब्लॉग में तो मुंह उठा के आ जाते हैं, भाई फिट में का ये जो भी प्रोडक्ट्स होंगे मैं उनके लिंक डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. देख सकते हैं मैं लिंक डाली, तो लिंक बनाने में तो टाइम लग जाता है. देखो ओके, मैं बेस कुछ नहीं लगा आपके सामने, मैंने फाउंडेशन या कुछ भी बीबीसी क्रीम नहीं लगाया, जस्ट ऐसे इसी के साथ ही मैं कोशिश करती हूं ताकि थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल एटलीस्ट दिखो. घर पे तो बंदे बनके बैठे रहते वीडियो से आ जाते प्रेजेंटेबल क्या करी. अब गाइस मेकअप लुक ना तभी आएगा जब मेरा यहां पे कुछ काम होगा, ठीक है. आप लोग बोलोगे कि बात ऐसी ऐसी बोली, नहीं आप देखो अभी ना आगे लग रहा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब इट्स लाइक बॉइल कर रहा है कमरा. ये वाला कमरा नहीं है ना, एक्चुअली मेरी किचन है, किचन के कोने में मेरा किचन का टेबल है, कोने में मेरा काम का टेबल है. दूध बॉइल होता है तो समझो पूरा यहां पे हीट हो, समझ रहे हो ना, रोटी बन रही है कुछ भी बना, हीट होती है ना किचन में. चलो कुछ लोग अपना घर दिखाओ, इतना मैस पड़ा रहता क्या दिखाऊं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे होता है कि क्या दिखाऊं, फिर मैं सीधा सबसे सब कुछ बीच में ही है, तो बस यही चीज है. आई एम डन विद दिस एंड मैं क्या करूँ. फेसेस की ब्राउ जेल है, सॉरी ब्राउ पेंसिल है, जेल बोलती हूँ मैं, मुझे ना ज्यादा पसंद नहीं आती वैसे ब्राउ पेंसिल वगैरह, पता नहीं क्यों पैची पैची सी लुक लगती है, मेरे को नहीं पसंद आती. मैं पाउडर से रिकमेंड करती हूँ सबको, ये पता नहीं क्यों लगा ली फिर मैं, खत्म तो करना चाहिए, इतनी लंबी एक्सपायर हो जाएगी क्या फायदा, क्या आईब्रोज ड्रॉ कर लिए मैंने अपने रोते धोते, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. मैं सिर्फ फेसेस की, मिलाने की, लैक्मे की या किसी भी चीज़ की आईब्रो पेंसिल की, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड. मुझे ओवरऑल पता नहीं क्यों आईब्रो पेंसिल से ही नहीं मैं काम कर पाती, जैसे मेरे एक दो तीन वीक पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे को आईब्रो पेंसिल से नहीं मैं वर्क कर पाती, आई लैशेज मैं वो ग्लू के साथ नहीं लगा पाती, मैं विंग लाइनर नहीं ढंग का कर पाती. अगर मुझे जल्दी जल्दी होती है ना तो मैं पतली गली से ना निकलने की कोशिश करती हूँ, मैं विंग ही नहीं ड्रॉ करती, सिर्फ लाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ, या व्हाट आई डू मैं स्मोक कर लेती हूँ उसको ब्लैक पाउडर के साथ या कुछ ऐसा, मतलब मैं अवॉइड कर देती हूँ विंग ड्रॉ करना, क्योंकि मुझे पता है एक सीधा डलेगा दूसरा गलत हो जाएगा, उसको सही करूँगी ये इसको बराबर का करना पड़ेगा, इसको 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 करने के चक्कर में मेरा विंग मोटा जाता है, फिर मुझे पसंद नहीं आता, फिर मैं दोनों को इरेज कर देती हूँ. फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ आजकल मैंने मेकअप लुक ही नहीं डालना, मैं इसको उतारने के लिए भी कई बार मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब ट्रस्ट मी गाइस मैं रात को शूट कर रही हूँ एंड मेरे विंग लाइनर, सिर्फ एक विंग लाइनर की वजह से मेरा मन कर रहा था मैं झटके से जाऊँ और मुंह धो के आ जाऊँ. मानो मैं कई बार इतनी ज़्यादा चिढ़ जाती, मैंने ये अपनी किसी मेकअप लुक में भी ये बात बोली हुई है. आई डोंट नो, इंसान के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, बट धीरे धीरे कर लेंगे इनके ऊपर भी काम, एक टाइम आएगा जब सुंदर सा विंग ड्रॉ कर पाएंगे एक बार में. मैंने कुछ लड़कियों को देखा यार शूइंग करती हैं, क्या सुंदर सा विंग आया, मैं कहती हे भगवान वो शूइंग वाली ताकत मेरे हाथ में भी, मेरी भी दो उंगलियों में दे दो, मैं भी शूइंग शूइंग कर लूँ. चलो इसको लगा लूँ मैं हल्का हल्का कलर बार का, बाय द वे जूम एंड विश मस्कारा है, जूम कितनी वाहियात वीडियो नहीं बन रही आज की, कुछ भी अटर पटर बोल रही हूँ मैं, मतलब अटर पटर कुछ भी मतलब बोली. चलो पता नहीं क्या शूट कर रही हूँ मैं, एक तो मेरे को जब कंटेंट नहीं होता ना अंदर अंदर से मुझे गंदी वाली फीलिंग आती, क्या बोल रही है यार तू, बंद करना फोन. मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया बहुत हल्का सा, बहुत ही ज़्यादा हल्का सा मैं इसी लाइन को ना अपने मैं लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी यही आईब्रो पेंसिल को हल्का सा. पर्पल का लिप क्रेयॉन है जिसको मैं अभी अप्लाई करूँगी. शेड कौन सा था, शेड था फ्रॉम मी टू माई गैंग 7, ये मैट लिप क्रेयॉन है शेड नंबर 7. गाइज अगर आपने फाउंडेशन के साथ अगर आपने ये वाला शेड अप्लाई करोगे तो शेड इज सो प्रिटी. एक्चुअली मैंने इसको ना साइड में रखा था, कल परसों मेरे माइंड में था कि यार ये कितना प्यारा शेड है, थोड़ा सा साइड में ही पड़ा हुआ था ये, तभी मैंने फटाफट से इसको ले आई. इतना ब्यूटीफुल सा शेड है, थोड़ा सा भी डार्क इसलिए लग रहा था क्योंकि पूरा मैंने मेकअप नहीं ना किया, बेस तो मैंने अपना किया ही नहीं, मैंने जस्ट कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है एंड ये बिल्कुल मैट है. अदरवाइज तो शेड इतना प्रोटी लग रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मतलब ओ गॉड मैं स्वेट कर रही हूँ एंड मुझे वीडियो शूट करनी है. चलो गाइस यही था आज का ब्लॉग, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ इस ब्लॉग में, क्या शूट कर रही हूँ मुझे खुद नहीं आइडिया. ओके अब बाल खोल के मैं शूट करूँ, मुझे नहीं शूट करना बाल खोल के, और गर्मी लगेगी, रबर बैंड लगाती हूँ, वेट रबर बैंड लगा लेती, ठीक है ना, कैचर लगा लिया मैंने. चलो भाई अब हम चलते हैं, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो शूट कर लेंगे ऐसे ही, कानकुन में मेरे डालने का मन नहीं कर रहा, गर्मी
चलो बाय। आज का व्लॉग मुझे नहीं पता मैंने क्या कहने वाली, प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स वाले सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि पता नहीं क्या था आज के व्लॉग में, मेरे को खुद नहीं पता क्या, मैं आड़ा टेढ़ा कुछ भी, बक 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 बक, मम्मी नहीं आना यार, क्या है यार, एक साल हो गया, एक साल हो गया है? मम्मी की टिकट थी ये बस, अभी मतलब मम्मी आ चुकी होती अगर ये कोरोना का स्यापा ना होता, ठीक है, लेकिन टिकट कैंसिल करवानी पड़ी, आपको सब पता ही है यार क्यों, ठीक है ना। अभी ट्रेनें चल रही हैं बट बिल्कुल भी सेफ नहीं है अभी निकलना, क्योंकि अभी अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अफरा तफरी करके बाहर मत जाओ, अंटिल एंड अनलेस अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मत ही जाओ, ठीक है। एंड सेफ रहो अभी भी बहुत, मतलब तो यार ये कोरोना क्या है, मतलब कब खत्म होगा पता नहीं। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू ऑल। वीडियो खत्म करते करते मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, ब्रशेस को भी मैंने चेक किया तो गाइज ये देखो सूख गए, इनको भी मैंने धूप में भी नहीं रखा, मैं सोच रही थी कल इनको सारा दिन धूप लगाऊंगी, ये देखो इतनी गर्मी है कि रूम टेम्परेचर में ही ये सूख गए पंखे के साथ ही, ये देखो कितने क्लीन हो गए। ये जो ब्रशेज हैं ये देख लो, आपको एक बार दिखाई दूं यार, फोकस फॉकलर के हैं, ठीक है, ये वाले फॉकलर के हैं, ये मैंने रोज गर्ल के ब्रशेज है, रोज गर्ल बाहर का कोई आप देख लेना बाहर का कोई ब्रांड है, ठीक है, ये रोज गर्ल के ब्रशेज है, ये फॉकलर के हैं, ये क्लब फैक्ट्री से मैंने मंगवाए थे, ये जो है ये पूना स्टोर है, अमेजोन से आपको मिल जाएंगे, अमेजोन वाले जो है ना पूना स्टोर वाले इजिली आपको मिल जाएंगे, आप इनके मंगवा सकते हो, बाकी यार ये तो बाहर की वेबसाइट है, अभी तो आपको देखो मंगवाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो वुडन, ये वुडन वाले जितने हैं क्लब फैक्ट्री वाले हैं, और क्या है मेरे पास, ये ब्लैक वाला, ये जो है ब्लैक वाले और ये वाले सिल्वर वाले, ये दोनों फॉकलर के हैं, ब्रांड ने मुझे खुद सेंड किए थे, मोस्टली मेरे पास पूना स्टोर के भी हैं तो आपको पूना स्टोर से ले सकते हो। ये कौन सा है, बीच में एक आधा मेरे पास ना उसका भी, ये तो पूना स्टोर का, क्यों नहीं वो कर रहा फोकस भाई, क्यों नहीं कर रहा तू, किधर दे तेरा ध्यान, ओके गाइस ये इसका ध्यान इधर है, मैं कैसे करूं इसको फोकस, वीडियो को एंड ही कर देती हूँ मैं, बाय, ये फोकस नहीं हो रहा था।